बड़ारा की पूर्व विधायक आशा देवी, विधानसभा क्षेत्र के महुदई निकनाम टोला, जीआरआई के टोला सहित कई गांवों में दौरा कर खाद्य सामग्री का वितरण किया। इनका यह बाढ़ प्रभावित इलाकों में दूसरे दिन दौरा रहा। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से बड़ारा के पूर्व विधायक आशा देवी मिली और उनसे उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उनके बीच खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। बड़ारा के पूर्व विधायक आशा देवी ने बाढ़ प्रभावित गांव के दौरा के दौरान कहा कि बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित है, प्रशासन जो है व्यापक स्तर पर मदद करे। खाद्य सामग्री का वितरण करते हुए उन्होंने जरूरतमंदों को आर्थिक मदद भी की। बड़ारा के पूर्व विधायक आशा देवी ने नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वह बड़ारा विधानसभा क्षेत्र के जीआरआई के टोला, निकनाम टोला, महुदई सहित कई गांवों में पहुंची। इस दौरान आशा देवी ने लोगों को हो रही समस्याओं को जाना और उसके निदान के लिए आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि बड़ारा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण आम जन काफी प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा जो बाढ़ राहत कार्य चलाया जा रहा है उसमें तेजी लाया जाए और व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति नहीं हो, आम जनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, उन्होंने यह मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अधिक से अधिक जगहों पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जाए, सूखे भोजन का पैकेट वितरण किया जाए, जरूरतमंदों को तिरपाल, पशुओं के लिए चारा, बुरी तरह बाढ़ से घिरे लोगों को उच्च स्थान पर रुकवाने की व्यवस्था, बीमार लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकारी राहत कार्यों में काफी शिथिलता बरती जा रही है, समुचित स्तर पर बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद की दरकार है और उनको जल्द से जल्द हर तरह की मदद उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान उनके साथ अवधेश यादव, राम अवधेश यादव, लालजी बिन, रिंकू सिंह, नंदकुमार चौधरी, अरुण सिंह, भिखारी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बड़ारा के पूर्व विधायक आशा देवी सबसे पहले बड़ारा प्रखंड के महुदई गांव पहुंची, जहां पूर्व विधायक आशा देवी को देख बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, ऐसा है कि पहली बार बड़ारा की पूर्व विधायक ही इस बाढ़ में पहली बार यहाँ पर पहुंची हैं और उनके द्वारा हमें खाद्य सामग्री दिया गया है जिसकी हमें बेहद जरूरत है। उसके बाद वह निकनाम टोला पहुंची, जहां वह बच्चों के बीच बिस्किट और बड़े लोगों के बीच चूड़ा, गुड़ सहित कई सूखे पैकेट भोजन का वितरण किया गया। इसके बाद जीआरआई के टोला पहुंची, वहां भी लोगों के बीच वितरण किया गया, जहां लोगों ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। दिन है और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण कर रही हैं। क्या किया जाए, ऐसा बाढ़ है, ऐसे पीड़ित लोग हैं, जनरल पानी में 3-4 दिन से बचे हैं, तो रोज तो एक गाँव में, एक पंचायत में जाना होगा ना, तो इन लोग के राहत जो भी है सामग्री, राहत सामग्री इन लोगों को दे रहे और जायजा भी ले रहे, किस तरह से लोग रह रहे हैं, कहीं भी पानी के भी दिक्कत है, कभी भोजन का दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा हम अब इसके हमारा भावना है कि हमारी बड़ारा के जनता को कभी कुछ कठिनाई ना हो, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प करें, यही अपने मन में भावना में रखे है कि सब लोग का बाढ़ राहत सामग्री भी बांटे और इनको लोग हाल चाल बे लिए कहाँ फिर बाद में क्या जरूरत है, इस समस्या भी सुनने आए हैं, इसलिए रोज डेली हम अपना इन लोग का जब तक बाढ़ से पानी का राहत नहीं मिलेगा, कम नहीं होगा, तब तक मेरा जारी रहेगा। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं आप भी, आज सुबह से साथ में है लोगों के बीच में जो राहत सामग्री वितरण किया, क्या कहेंगे इनके इस पहल को, किस तरीके से देखते हैं, कई लोग इसमें भी राजनीतिक देखेंगे? नहीं नहीं, राजनीति नहीं है, विधायिका जी आशा देवी जो विधायक है ना, हम लोग को पहले से भी पूरा निकनाम टोला पंचायत में फर्स्ट जो भी सामग्री हुआ वो निकनाम टोला पंचायत में फर्स्ट बांटने का काम विधायिका जी ने किए। तो आज इस तरीके से वितरण कर रही हूँ उसके बारे में आप क्या कहिएगा, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि बाढ़ के समय में दिखाई दिए, सुखाड़ के समय, लेकिन अन्य समय जो है ना, जनता के दुख के साथ में बानी तो यही कौन बने, विधायक जी ने बने, ऐसा विधायक जी के पूरा कॉल है, कॉल से बांट रही है, कॉल के चलते आज सब लोग बांटने के काम लगा है। देखिए लोग, चलिए ठीक, क्या नाम आपका? हमारा राम अवधेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जीवा रहेगा टोला।
पर अभी तक बाढ़ जो है क्षेत्र कौन सा जगह पहले ये बताइए किस जगह पर ये है? नथमलपुर पंचायत। तो कोई जिला प्रशासन या किसी तरफ से कोई बाढ़ राहत खिचड़ी ये थी मिला था चलो तब भंडारा हुई हुआ आंगनबाड़ी में खिचड़ी चल रहा है स्कूल में। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मुहाल किया गया है? जनप्रतिनिधि कोई आए हैं, कोई नेता विधायक प्रशासन के लोग? हाँ, आर के सिंह आए घूमे थे चारों। अच्छा, घूमे थे, कुछ दिए भी थे कि खाली बस घूमे थे? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, हम लोग का मैंने मिला नहीं है। तो मिला नहीं है, आज कौन आया हुआ आपके क्षेत्र में यहाँ पर? आशा देवी। मतलब कुछ लेकर यहाँ बांटने? हाँ, चूड़ा मीठा।